सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले। अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़ दास बन गई, सत्र स्थगित करके ही भाग गई। अब इस सरकार को एक क्षण भी सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। सदन की जो इफेक्टिव संख्या है, आज जो हाउस में परिदृश्य था उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के केवल 92 विधायक बचे, भारतीय जनता पार्टी के 106 यहां सशरीर आए हैं, और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुमत अब भारतीय जनता पार्टी का है और इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से हमने ये निवेदन किया है, उनके सामने हमने परेड की है, ये बहुमत देख लीजिए। मतलब सर आपने सरकार बनाने का दावा किया क्या? आपने सरकार बनाने का दावा किया क्या? उन्होंने निकलते हुए कहा कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाए अगर आपके पास संख्या बल है तो। आज ही तो भग गए, टाइम काटू काम कर रहे हैं कि जितनी कटे तो कट जाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अल्पमत की सरकार है उसको क्या निर्णय लेने का अधिकार है? सर, क्या फैसले करने का अधिकार है? राज्यपाल ने क्या कहा? रोज सवाल ये किया जा रहा है, ये राज्यपाल को जवाब दिया है मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक माहौल अभी अच्छा नहीं है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बच्चे नहीं है, माहौल तो अच्छा इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रणछोड़ दास बन गए। आप क्या बोले सर? आप क्या बोले सर? रणछोड़ दास बन गए, मैदान छोड़ के भाग गए, मैदान छोड़ दिया। लेकिन वो कह रहे कोरोना 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 का दलील दी गई है। अभी स्थिर सरकार कोरोना से भी नहीं बचा सकती मेरे भाई, उसके लिए स्थिर सरकार की जरूरत है।